आज हम बात करेंगे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की। जैसे कि दिवाली आगे आने वाली है तो आप घर में सजाने के लिए प्लांट ले सकते हैं काफ़ी सारे। तो फर्स्ट प्लांट जो आप देखेंगे वर्बीना का प्लांट है, इसमें कम से कम आपको 3 से 4 कलर्स मिल जाएंगे। तो उसमें पर्पल होगा आपका, रेड मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा। तो सारे प्लांट 20 रुपीज़ के हिसाब ले सकते हैं बैग में। इसको आप बास्केट में लगा सकते हैं, चेंज पॉप में भी सफिशेंट है। इसके लिए पूरी मार्च तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो अगला प्लांट जो है गजीनिया का प्लांट है। गजीनिया के प्लांट में खासियत ये होती है, आपका धूप में खिलता है सुबह सुबह, और शाम तक इसकी वजह से धूप बंद होती है तो फ्लावर भी इसका बंद हो जाता है। तो इसका काफ़ी लोगों का मास तक फ्लावरिंग करता रहता है। ये भी हैंगिंग बास्केट्स के लिए आप लगा सकते हैं, 20 रुपीज़ का। इसमें भी आपको 4 से 5 कलर्स मिल जाएंगे। तो गजीनिया का प्लांट आप 20 रुपये में ले सकते हैं। तो अगला प्लांट जो है जाफरी मैरीगोल्ड का प्लांट है। बिल्कुल डार्क रेड कलर का फ्लावर है इसका, ये काफ़ी कम जगह आपको मिलेगा डार्क वाला। तो ये 20 रुपीज़ में आप ले सकते हैं जाफरी मैरीगोल्ड का। कम से कम एक में 10 से 12 बर्ड्स लगे हुए हैं। तो 6 इंची पॉट में आप इसे 8 इंची पॉट में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुशी होता जाएगा। इसको चलाने का तरीका ये, जैसे इसकी फ्लावरिंग सूखती है आप इसको कटिंग कर दीजिए फ्लावरिंग का, तो लॉन्ग टर्म पर फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो मास्क तक इसका लास्ट सीजन होता है, तो इसको आप ले सकते हैं 20 रुपये में जाफरी का मैरीगोल्ड। अगला जो प्लांट है डेंथस का प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। इस चीज़ को स्वीट विलियम भी कहा जाता है। तो इसको आप ले सकते हैं 20 रुपये में, 4 से 5 कलर्स मिल जाएंगे, डबल शेड्स के मिल जाएंगे आपको। इस प्लांट में विंटर फ्लावरिंग प्लांट में क्या लेकर, यही प्लांट है जो 12 महीने चल जाता है कभी कभार किसी किसी का। तो इसको आप 20 रुपये में ले सकते हैं। थोड़ा इसको गर्मियों में शेड में रख दीजिए तो फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें भी सेम यही है, फ्लावरिंग छुट्टे इसमें आपको कटिंग करनी होगी। 6 इंची पॉट इसके लिए भी सफिशेंट है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अगला जो प्लांट है मैरीगोल्ड का प्लांट है, जिसको हजारी गेंदा कहा जाता है, बड़े वाला मैरीगोल्ड। इसमें भी आए हुए काफ़ी 2 कलर्स मिल जाएंगे आपको, येलो और इसमें आपको ऑरेंज मिल जाएगा। दोनों की प्राइस सेम है, 20 रुपीज़ ईच है। कई सभी में इसमें बर्ड्स और फ्लावरिंग दोनों रखी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके लिए 8 इंची पॉट सफिशेंट होता है, पर इस गेंदे की लाइफ थोड़ी कम होती है, केवल 2 बार फ्लावरिंग करते हैं आपके सारे डाई हो जाते हैं। तो ये 20 रुपये में आप मैरीगोल्ड का प्लांट ले सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है पेटूनिया का प्लांट है, ये भी हैंगिंग बास्केट से लगाते अच्छा होता है। ये जनवरी आपका अभी से लेके आपको मान लीजिए दिसंबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा, फिर जनवरी में इसकी फ्लावरिंग थोड़ा रुकती है, उसके बाद दोबारा से फरवरी मार्च फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो 20 रुपये में ये भी आप ले सकते हैं, 60 से 8 कलर मिल जाएंगे इसमें आपको, डबल डबल शेड्स के, डबल डबल कलर के काफ़ी सारे हैं। तो 20 रुपीज़ में ईच आप ये पेटूनिया का प्लांट ले सकते हैं। अगला प्लांट जो है साल्विया का प्लांट है, ये भी चल जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इसको आप फ्लावरिंग ऊपर से काटते हैं तो काफ़ी अच्छा फैलता चला जाता है ये भी। इस प्लांट में इसको आपको छाया में भी चला सकते हैं इस प्लांट का। तो 20 रुपये में साल्विया का प्लांट भी आप ले सकते हैं। अगला जो प्लांट है विंका हाइब्रिड है, इसको भी आप ले सकते हैं 20 रुपये में। इसकी लाइफ मुश्किल से 6 महीने तक होती है, मार्च तक ये फ्लावरिंग करेगा, दैन से गर्मी में दोबारा इसका प्लांट लगा जाता है, बीज दोबारा ही खींचा। तो 20 रुपये में इसमें आप ले सकते हैं, 4-5 कलर्स मिल सकते हैं विंका हाइब्रिड में। ये भी आप लगा सकते हैं छोटे 6 इंची पॉट में, काफ़ी अच्छे फैलते जाएंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट में ये भी प्लांट है जिसको स्टॉक कहा जाता है इस प्लांट को, ये भी काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। इसमें ये आपका मान के चलिए 15 से 20 दिन में फ्लावरिंग करने लगेगा, इसका स्टार्टिंग हो चुका है ना। 4-5 कलर इसमें भी आते हैं काफ़ी अच्छे, तो 20 रुपीज़ में ये भी आप ले सकते हैं स्टॉक फ्लावर। तो अगला जो प्लांट है ये कॉक्सकॉम का प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, इसको भी आप ले सकते हैं। इस फ्लावरिंग में फ्लावर में दिक्कत थोड़ी यही आती है कि इसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो इसमें आपको 15-20 दिन में हर बार आपको इसमें पानी और कीड़े की दवाई का स्प्रे करना होगा। इसके फूल सूख सूख के गिरते गिरते नए नए प्लांट्स के नीचे से बनते रहते हैं। तो 20 रुपये में कॉक्सकॉम का प्लांट भी आप ले सकते हैं। तो अगला जो प्लांट है विंटर का, ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। इस प्लांट का खासियत ये परमानेंट रहता है फ्लावरिंग के बाद, विंटर करता है। तो 20 रुपीज़ में ये भी आप ले सकते हैं, इसमें आपको 2 सेट्स मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको पिंक मिल जाएगा एंड इसमें आपको दूसरा पर्पल मिल जाएगा। तो 20 रुपये में ये भी आप ले सकते हैं टूरिंग का प्लांट।